मैंने सुना है गोरखनाथ की गुरु मच्छिंद्रनाथ सिंघल द्वीप की रानी के दरबार में भिक्षा मांगने गए थे। भिक्षा मांग गोरख पंथ के साधु भिक्षा मांगते थे, तार वाला सितारा बजाते रहते थे। जोगी योगी लोग हैं, वहां भिक्षा मांगने गए रानी के दरबार में। मच्छिंद्रनाथ ब्रह्मचारी संत है, उसको देख करके रानी मोहित हो गई। भिक्षा देने वाली रानी के मन में आकर्षण पैदा हो गया, और जब उसके मन में आकर्षण पैदा हुआ, इधर अकेले थे मच्छिंद्रनाथ भिक्षा मांगने गए, इनका मन भी डगमगा गया। इसलिए किसी त्यागी पुरुष को किसी नारी के सामने अकेले नहीं रहना चाहिए, और किसी भी नारी को अपने पति के साथ रहो तो कवच कुंडल की तरह तुम्हारी सुरक्षा है। पिता के साथ रहो सुरक्षा है। जब कोई तुम्हारे साथ में दो चार पांच लोग होते हैं तो तुम्हारा मन यदि डगमगाता भी है तो सबके दबाव में प्रभाव में संकोच में फिर भी तुमसे गलती नहीं होती है, तुम अपने को संभाल ले जाते हो। इसलिए साधु को कभी अकेले घूमना नहीं चाहिए। इक्का दुक्का साधु का घूमना उसके लिए खतरा है। साधु शेर को जब अकेले भैंसों का झुंड पा जाता है तो शेर को भी पटक पटक कर वो मार डालते हैं। इसलिए शेर भी झुंड बनाकर चलते हैं, उनको भी खतरा है। ये जो लिखा हुआ है ना, सिंह न चले लेहड़ा और साधु न चले जमात झुट्ठा, मत लिखो ऐसी फालतू बात, इसमें नुकसान हो जाएगा। दोहा बनाते हो, आगे सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते इसका परिणाम क्या होगा। सिंह न चले लहलाओ, साधु न चले जमात। साधु को तो जमात में ही रहना चाहिए, कम से कम गुरु का प्रभाव तुम्हारी रक्षा तो करेगा। सब शिष्यों का घेरा गुरु को भी रक्षा करेगा, और सब संतों की रक्षा एक दूसरे संत से होती है। इसलिए साधु को भी अकेले नहीं रहना चाहिए। मच्छिंद्रनाथ का मन डगमगा गया, शिष्य इंतजार कर रहे हैं कि हमारे गुरुजी कब लौटेंगे। गुरुजी सिंघल द्वीप में रानी के घर में दरबार में मोहित होकर फंस गए। याद रखना, संसार तो भवसागर में डूब रहा है। भवसागर से जिनको पार करने के लिए तुम गए हो, पार कराने में सावधानी रखना, कहीं तुम भी न डूब जाना। डूबने वालों को जो बचाते हैं लोग, वो खुद को डूबने से भी बचाते हैं, तभी उसको बचा पाते हैं। जो खुद भी डूब जाते हैं और डूबने वाले को कैसे बचा पाएंगे, खुद को बचा कर। महिलाएं रोटी सेकती हैं, चिमटा रखती हाथ में, अंगुलियां नहीं जलाती हैं, कल फिर सेकना है। चिमटा से पकड़ती हैं गर्म रोटी, चूल्हे के पास आग में चिमटा ले जाती। ऐसे ही संयम नियम का चिमटा रखो। भक्त को अपनी भक्ति की रक्षा करना चाहिए, साधु को अपनी साधुता की रक्षा करना चाहिए, चरित्रवान को अपने चरित्र रूपी संपदा की रक्षा करना चाहिए। याद रखना, चरित्र से बड़ी कोई दौलत नहीं है, और साधुता से बड़ी कोई चीज संसार में नहीं है, और भक्ति से बड़ी कोई संपदा नहीं है। खोना नहीं चाहिए। कितने तुमको लोग नास्तिक मिलेंगे, अरे बोलेंगे तुम कहां सत्संग में फंसे हो, तुम्हारा मनोबल गिरा देंगे। तुम तुरंत उनको जवाब दे दो, अरे तुम कहाँ दारू में फंसे हो, बोल दो उनको। तुम कहाँ वेश्यालय में फंसे हो, तुम बीड़ी सिगरेट में फंसे हो, गांजा चरस तंबाकू में फंसे हो, तुम फंसे में भी फंसे हो,
मेरे को तो कोई एक बात बोले तो मैं 1000 बात बोल देता हूँ फटाक से, पूरा रेडीमेड उत्तर है, भड़बड़ भड़बड़ बोलते ही चलते। इतने उदाहरण दे देता हूँ, मुंह बंद हो जाता है, एडवोकेट का बाप बन जाता हूँ। तुम मत सोचना मेरे लिए बोल रहे, तो ऐसे बता, जवाब देना पड़ेगा ना। फंसा कौन नहीं है? कोई नशा में फंसा है, कोई फैशन में फंसा है, कोई व्यभिचार में फंसा, अनाचार में फंसा, दुराचार में फंसा, भ्रष्टाचार में फंसा है। और जहां जहां तुम फंसे हो, सब जाल से निकालने के लिए याद रखना, एक कांटा अगर तुम्हारे पैर में चुभ गया है, दर्द कर रहा है, उस कांटा को निकाल करके बाहर करने के लिए दूसरा कांटा की जरूरत पड़ जाती है। दूसरा कांटा चुभे हुए कांटा को निकाल कर बाहर करता है तो तुम्हारा दर्द समाप्त हो जाता है। इसलिए दुनिया में तुम फंसे हो, माया में फंसे हो, मोह में फंसे हो, काम क्रोध लोभ अहंकार में फंसे हो, ईर्ष्या द्वेष में फंसे हो, नशा व्यसन में फंसे हो, फैशन में फंसे हो, नाना प्रकार से हो, ये सारे जाल में जो फंसे हो, इस फसाव से निकालने के लिए गुरु के भक्ति में फंसना पड़ेगा, तब ये सब जाल से बाहर हो जाओ। खड़े होकर बोला करो, ऐसा बिल्ली की तरह म्याऊं क्यों? बोलो चंद्रकांत। बस ये बात, चंद्रकांत अच्छा लगा दिया, ठीक है, ट्रेंड आदमी है। पिछले साल सत्संग करवाया था मटिहानी में, बहुत अच्छा समागम हुआ था। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी कहो, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। मेरा यव गुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरा यव गुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। जिस बालक को अपनी माँ से बहुत प्रेम होता है, अपने पिताजी से बहुत प्रेम है, जिस लड़की को अपनी माँ से बहुत प्रेम है, पिता से बहुत प्रेम है, याद रखना वो दूसरे के प्रेम में फंसेगी नहीं। जब माँ से प्रेम कम हो जाएगा, बाप से प्रेम कम हो जाएगा, वो लड़की और लड़का किसी न किसी आकर्षण में फंस जाएगा। जिस नारी को अपने पति से बहुत प्रेम है टोटल, वो दूसरे पुरुष में नहीं फंसेगी, और जिस पुरुष को अपनी पत्नी से फुल प्रेम है, वो दूसरी नारी में नहीं फंसेगा। और जिस साधु को अपने गुरु में पूरी श्रद्धा है, पूरा प्रेम है, वो साधु कभी फिसलेगा नहीं। और जिस साधु को गुरु से प्रेम कम है, वो साधु को फिसलने के चांस बहुत ज्यादा। मच्छंदर नाथ फंस गए, इतना बड़ा संत फंस गया, कौन निकालेगा इसको? मेरे पांव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरे पांव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। कितने लोग कहते हैं अब इस जन्म में तो नहीं छूट पाएंगे, बड़ा कठिन जाल है, सब तरफ से जंजीरों में हम फंस गए हैं, अब मर जाएंगे, अगले जन्म में भले छूट जाए, इतना लोग लाचार हो गए। दारू पीने वाले कहते हैं अभी इस जिंदगी में तो नहीं छूट पाएगी दारू, अब मर जाएंगे, अगली जिंदगी में भले छूट जाए, अगले जन्म में, इतने लाचार हो गए। तो बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, तमाकू पान खाने वाले, पुड़िया खाने वाले कहते हैं बीड़ी नहीं छूटेगी, चाहे पत्नी भले छूट जाए, ढिल्लर आदमी, बीड़ी नहीं छूटेगी, पत्नी चाहे छूट जाए, तो फिर शादी क्यों किया? बीड़ी के ही साथ फेरे घूम लेता है और सबको बताता है ये मेरी पत्नी है, नहीं छूटेगी, लिए घूमता है एक उंगली के बराबर बीड़ी, बताता कि मेरी धर्म पत्नी यही है। अरे मूर्ख फालतू बात करता है, शादी पत्नी के साथ करता है, बीड़ी छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ दे, अब मत पीना, चल इधर आ, उधर जा, बीड़ी छोड़, पत्नी से प्रेम रख। ये मुंह से धुआं खींचता है, नाक से फेंकता है,
इतनी बदबू आती है फिर भी नहीं समझता है, समझाने से मानते क्यों नहीं हो, क्या फायदा? गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले गादू, गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वालों, इन बिसनों को जो ना छोड़ सके, इन बिसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने, इन बिसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने, इन बिसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने, इन बिसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने, 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 जीवन में जितने दुख दिखते, जीवन में जितने भी दुख दिखाई दे रहे हैं आपके जीवन में, किसी के जीवन में, उसका कारण क्या है? जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, जीवन में जितने दुख दिखते, जितने भी दुख हैं जीवन में, तुम्हारा दुख क्यों नहीं मिट रहा है? क्योंकि तुम जितने दुख हैं उसका कारण दूसरे को ठहराते हो। तुम जब दुखी होते हो तो कहते हो मैं अपनी पत्नी के कारण दुखी हूं, कहीं कहते हो मैं उनके कारण दुखी हूं, इनके कारण दुखी हूं, तुम खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराते, और जब तक खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे तब तक तुम दुख की कुएं में ही पड़े रहोगे, उससे निकल नहीं सकते। किसी प्रदेश में एक शिक्षक था, प्रिंसिपल था, उसकी पत्नी मर गई, बहुत दुखी था, तो मुझे मिला, मैंने पूछा क्यों दुखी, बोले पत्नी के कारण दुखी। हमने कहा पत्नी कहाँ है, बोले वो मर गई, तो हमने कहा जब वो मर गई तो दुख भी मर जाना चाहिए, तब उसके कारण कैसे दुखी हो, क्योंकि कारण ही मिट गया तो मर ही गई, अब उसके कारण दुख जिंदा कैसे है, जब पत्नी ही नहीं है तो दुख उसके कारण क्यों है?
बोले वो मर तो गई लेकिन मेरे मन से मरी नहीं। तुमने कहा मन में तुम जिंदा रखे हो उसको? बोले भूलती ही नहीं है। तुमने कहा भूलती नहीं है तो ये पत्नी की गलती की तुम्हारी गलती है? बोले है तो मेरी गलती। तुमने कहा तो पत्नी के कारण थोड़े को दुखी हो, तुम अपने कारण दुखी हो, अपनी गलती के कारण। पत्नी मर गई वो थोड़े कहती है कि हमसे मोह करो या हमको मत भूलना। तुम भूलो चाहे याद करो, चाहे उसके नाम की माला जपो कि श्रीमन नारायण नारायण। क्या नाम है पत्नी का तुम्हारी? सीमा देवी सीमा देवी सीमा देवी जपते रहो। पत्नी थोड़े कहती मेरे नाम की माला जपो, वो तो मरकर चली गई, पति मरकर चला गया। तुम उसके प्रति जो मोह को जिंदा रखे हो तुम्हारी गलती है। क्यों इतना मरने के बाद भी मोह नहीं छूट रहा है? आखिर इस अज्ञानता की कोई सीमा का अंत है? जो मर गया लाश जल गई और फिर भी तुम रोते हो बैठकर, आहा वो हो ये हो वो हो को हो, तो ये सब फालतू काम। इतना अब तुम्हारे रोने की आवाज भी वो सुन नहीं रही आत्मा जो मरकर चली गई, तुम्हारे दुख को देख नहीं रही है, तुम्हारी पीड़ा को समझ नहीं रही है। और एक शरीर छोड़ करके जल करके राख हो गया, पति हो पत्नी हो माँ हो बाप हो बेटा हो बेटी हो कोई एक्स वाई जेड हो, शरीर छोड़ करके वो आत्मा गई। अब उसका तुम्हारा कनेक्शन कट चुका है, रिश्ता कट चुका है, तुमसे कोई मतलब नहीं। हो तुम्हारी दशा को देखती नहीं, दुर्दशा को देखती नहीं, सुनती नहीं, सुनता नहीं। वो तो दूसरी जगह उसका जन्म हो गया है, वहां वो बालक के रूप में बालिका रूप खेल रही है आत्मा, और तुम यहाँ कौंपो चिल्ला रहे पोंगा नाथ या अज्ञानता छोड़ो, चल निकल हंस सड़क पर। हाल तो पोंपो चिल्लाता है और कहते हैं कि हम तो डिप्टी कलेक्टर थे और लार टपकाते घूम रहे खूब दुर्दशा करो, सत्संग तो सुनोगे नहीं, सब कलेक्टरी निकल जाएगी तुम्हारी। खूब चिल्लाते रहो, नाक टपकाते रहो, बड़े बड़े धुरंधर बैरिस्टर कलेक्टर खूब दुख के दरेरा में पीसे जाते हैं, कोई विवेक नहीं है। पढ़े लिखे होने से कोई विवेक आता है? पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, खूब पढ़ा हूँ मैं भी, आखिरी तक पढ़ दिया। हमने सोचा पढ़ लो ताकि बाद ये मन में ना हो नहीं पढ़ा। विवेक तो सत्संग से पैदा होता है, याद रखना। जो तुम्हारे परिजन कुटुंबी जन प्रेमी जन मर चुके हैं, यदि उनके प्रति तुम्हारे मन के अंदर सच्चा प्रेम है तो उनके अच्छे अच्छे गुणों को अपनी जिंदगी में धारण करो, उनकी अच्छाइयों को जीवित रखो, तो समझ लो तुमने उनके प्रेम को अदा कर दिया है। उनकी अच्छाइयों को धारण करो। यदि पिताजी तुम्हारे सत्संगी थे, तुम भी सत्संगी बनो, तब तो समझो पिताजी से प्रेम तुम्हारा है था। तुम्हारी पत्नी सेवा खूब करती थी, मेहनत करती थी, गम खा लेती थी, साफ सफाई रखती थी, अब वो मर गई तो उसके गुणों को जीवित रखो ना, साफ सफाई रखो। कम से कम चुड़ैल बनकर आएगी तो देखेगी घर साफ सुथरा तो है, अब वो चुड़ैल बनकर भी आत्मा आएगी तो देखेगी ये भूत ये पति देव ये नालायक इतनी गंदगी मचा रखा है, तो चुड़ैल बनकर रात में तुम्हारे मुक्का मार कर चली जाएगी कि पागल सफाई क्यों नहीं करता। उनके गुणों को जीवित करो, उनको गुणों से तुम हमेशा के लिए जीवित रख सकते हो। अपने मां के गुणों को जीवित करो, सासू के गुणों को जीवित रखो। जैसे तुम्हारी सासू पूरे परिवार को संभाल कर रखती थी, सवेरे सोकर उठ जाती थी, नाश्ता रेडी कर देती थी, सासू अब नहीं है। ये सासू के गुण तुम्हारे अंदर यदि आ जाएं, सवेरे सोकर जल्दी उठ जाओ, साफ सफाई करो, नाश्ता टाइम पर बनाकर सबको प्रेम से खिलाओ, तो घर वालों को एहसास ही नहीं होगा कि सासू नहीं है, क्योंकि उसके गुण जिंदा हैं, इसलिए सासू का प्रभाव दिखाई देगा। कितने शिष्यों का गुरु मर गया, गुरु क्या मर गया, पूरा आश्रम मर गया। अब जितने वहां रहते हैं ढोंगानाथ, आलसी मक्कार कूचड़ खूब सोते हैं,
और रोते हैं, हमारे गुरुजी मर गए, चिल्लाते रोया करो को। अरे सोकर उठता नहीं बेईमान कहीं का, तेरा गुरु इतना अलर्ट था, रेडी था, कंप्लीट था, हर चीज को फिट रखता था। गुरु के गुणों को जीवित करो, आपके गुरु आपके कर्मों में जीवित होना चाहिए, आपके गुरु आपके स्वभाव में जीवित रहना चाहिए, आपके गुरु आपके संयम नियम और चरित्र में जीवित रहना चाहिए, वैराग्य में जीवित रहना चाहिए। गुरु का स्थूल शरीर तो मर गया, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान आपके अंदर सदैव जिंदा रहे, तो जो सुख गुरु के समय मिलता था, वो सुख गुरु का शरीर न होने के बाद भी तुमको सदैव मिलता रहेगा। छोड़ो बुराइयां, महान बनो, किसी की अवगुण मत सीखना। ऐसे पुत्र बनो, पिता के अच्छे अच्छे गुणों को अपने अंदर सुरक्षित रख लो। धन सोना चांदी और सामान, भाई भाई आपस में बांट लेते हैं, देवरानी जेठानी भी बंटवारा कर लेती, गोतनी गोतनी मिलके बांट लेती। गोतनी बोलते ना, गोतनी गोतना जो भी हो सब बांट लेते। लेकिन सास ससुर के अच्छे अच्छे गुण, माता पिता के सुंदर स्वभाव को किसने लिया अपने हिस्से में, पूरा पूरा ले लो ना। गुरु के गुणों के अधिकारी बनो, गुरु के ज्ञान के अधिकारी बनो, और उनके गुणों को सबको बांटना प्रारंभ करो। ज्ञान का वितरण करो, दूसरों को ज्ञान सिखाओ, भक्ति सिखाओ, ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। प्रवचन सुनने आओ, अपने मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग कर लो, थोड़ा सा वीडियो बना लो, फोटो खींच लो व्यास गादी का, श्रोताओं का, व्हाट्सएप पर डाल दो, फेसबुक में डाल दो, शेयर कर दो, जितने ग्रुप में जुड़े हुए हैं 1,000, 2,000, 10,000 लोगों तक पहुंचेगा। उनको भी रिक्वेस्ट कर दो कि आप भी शेयर कर दो, पूरी दुनिया में ज्ञान फैला दो। इसका नाम भक्ति है। जिस ज्ञान से तुमको शांति मिली है, जिस भक्ति से तुमको गुरु जी मिले हैं, और जिस सत्संग से तुम्हारे जिंदगी का रंग बदला है, वो सत्संग दूसरों को भी प्रदान करो, वो ज्ञान दूसरों को भी पहुंचाओ। मोह को समाप्त करो, लोभ को खत्म करो। मच्छंदर नाथ को ढूंढने के लिए गोरखनाथ गए, ढूंढ कर ले आए। गोरखनाथ ने भजन गाया कि भाग मच्छंदर गोरख आया, बाबा भाग मच्छंदर गोरख आया, भाग मच्छंदर गोरख आया। मच्छंदर को लेकर आए, रास्ते में शाम होने लगी। मच्छंदर नाथ ने कहा, कोई भय है यहाँ, डर है? गोरखनाथ ने कहा, यहाँ क्या डर है? मच्छंदर नाथ स्नान करने गए, गोरखनाथ ने उनका थैला खोला तो देखा वो राजमहल से एक सोने की ईंट ले आए थे। सोने की ईंट, देखो इतना बड़ा गुरु और चुट्टा मन डावाडोल हो गया। जब मनुष्य के मन में वासना उथल पुथल करने लग जाती है, तो उसके अंदर लोभ भी पैदा हो जाता है। गोरखनाथ ने उस सोने की ईंट को उठाकर कुएं में डाल दिया। स्नान करके जब सरोवर से लौटे मच्छंदर नाथ, उन्होंने फिर पूछा, यहाँ कोई भय तो नहीं है? बोले, गुरुदेव जो भय था उसको मैंने कुआं में डाल दिया। बोले, क्या? बोले, आपके थैले में भय भरा था। बोले, क्या? बोले, सोने की ईंट रखी थी।
बोले ये तूने डाल दिया कहां? बोले कुएं में। लो देखो थैला खाली है। मच्छंद्रनाथ दुखी हो गए कि ये सोने की ईंट इतनी कीमती लाए थे तूने कुएं फेंक दिया। अरे बोले क्या गुरुदेव आप दुखी होते हैं। गोरखनाथ ने फिर साइड में लघुशंका कर दिया और लघुशंका का जल छींटे जहां तक पड़ी और मिट्टी सोना बन गई। कहा गुरुदेव तपस्या में ये ताकत है, लघुशंका कर दूं वहां सोना बन जाता है।